तो देखो आज मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे आप लोगों ने अपने रेडमी या फिर अपने कोई भी स्मार्टफोन के जो कलर स्क्रीन होता है, यानी कि जो उसके नॉर्मल से कलर स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिला होता है, उसको आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे आप लोग यहाँ पे आईफोन iOS की तरह आप लोग बना सकते हो। तो ये आप लोग रेडमी फ़ोन में आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल से आप लोग यहाँ पे देखने को मिलोगे, ये सब पीटा सा आप लोग को देखने को मिला होगा यहाँ पे कलर्स के, जिसको देख करके आप लोग बिल्कुल बोर हो। लेकिन गाइज आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर स्क्रीन लेकर के आया हूँ, तो गाइज इसके लिए आप लोग वीडियो पूरी देखने पड़ेंगे। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइज इसको यूज़ करने के लिए आप लोग को छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका नाम आप लोग को देखने को मिल रहा होगा ट्रूफोन। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज सिंपली लोगों को यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन कर लेना पड़ेगा। तो गाइज चलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ओपन कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे डिफॉल्ट फोन ऐप पे मेरे को यहाँ पे इसको सेट कर देना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर देना पड़ेगा, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता, यानी कि मैं इसके सारे परमिशन यहाँ पे अलाउ कर लेता हूँ फटाफट से। मैं इसको यहाँ पे सारे परमिशन यहाँ पे फटाफट यहाँ पे अलाउ कर लेता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पे अलाउ कर लिया, इसके बाद लास्ट वाले मेरे परमिशन पे इसको अलाउ कर लेता हूँ। ये सारे यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे सारे के परमिशन मैंने इसको अलाउ कर लिया। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सारे इसके परमिशन यहाँ पे अलाउ कर दिया, उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन देखने, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो क्या जहाँ पे अभी आप लोग नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिला और थ्री डॉट का ऑप्शन, तो क्या सिर्फ वो थ्री डॉट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर दिया। थ्री डॉट पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिला और सेटिंग का ऑप्शन, तो क्या सिंपली वो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो क्या मैंने यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अपेयरेंस का ऑप्शन, यानी कि मेरे को उस पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोटो एंड अवतार का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोटो स्टाइल एंसर में कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो गाइस मैंने उस पर क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे फोटो स्टाइल में मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो गाइस चेंज होने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे बैक कर लेना पड़ेगा, और आप लोग किसी और भी प्रकार से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग हार्ट का लगा सकते हो, अभी कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा यही वाला डालने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूटा फूटा आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि एंसर टाइप क्या रहेगा, आईफोन टाइप का रहेगा। आप लोग यहाँ पे कुछ भी और चेंज कर सकते हो, कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे बैक कर लेना पड़ेगा, मेरे को इसके सेटिंग को यहाँ पे ऑल कर देना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो जब अप्लाई हर बार सिंपली मेरे को बैक कर लेना पड़ेगा। बैक करने के बाद मेरे को यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अभी दूसरे फोन से आप लोगों को कॉल करके दिखाता हूँ कि ये चेंज यहाँ पे हुआ या नहीं। तो जब आप लोग देख सकते हो कि मेरे नंबर का डायल पड़ा, यानी कलर स्क्रीन कुछ इस प्रकार से चेंज हो चुका होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने में लग रहा होगा। आप लोग कुछ इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब यार जरूर कर देना यार।